शाहिद कपूर जेव्हा एका सिनेमात आपल्या समोर येतो तेव्हा नक्कीच उत्सुकता जास्त वाढते, कारण शाहिद नेहमीच एका वेगळ्या रूपात आपल्या समोर येतो. शाहिद दा गबरू की उडान और अब ये नवाब मलिक का देशभक्ति और एक अलग ही सोल्जर और ये मैडनेस, ये पैशन, विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब, ये म्यूजिकल, थ्री वंडरफुल एक्टर्स, आई मीन एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम. आपने हर वो चीज़ कह दी जो मैं कहने वाला था कि लोग आ जाएं 24 फरवरी को रंगून देखने, बट आपने कह दी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. सी दैट्स द फीलिंग. यस एब्सोल्युटली. आई थिंक इट्स एन एक्साइटिंग फिल्म एंड ये मेरी तीसरी कोशिश है विशाल सर के साथ, सो ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. कमीने गॉट अ लॉट ऑफ लव, हैदर गॉट अ लॉट ऑफ लव, एंड वी होप रंगून गेट्स इवन मोर लव. बट विथ एवरी विशाल जी फिल्म यू आर इम्प्रूविंग, आई मीन यू आर ग्रोइंग लाइक लैडर्स ऑफ सक्सेस. सो ये एक अलग अलग, हर एक बार एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा और ये जो नज़र आता है वो बहुत ही वंडरफुल होता है. तो इस बार विशाल जी के साथ काम करना इस बार कैसे और बेहतरीन होता गया? इस बार मुझे विशाल जी को शेयर करना पड़ा थोड़ा सा, तो मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल था. यू नो, एज अ पजेसिव हो गया आप बहुत. एज अ चाइल्ड जब आपको आइसक्रीम मिलती है तो आइसक्रीम आपका फेवरेट फ्लेवर हो तो आप किसी को देना नहीं चाहते. तो विशाल जी इज माई फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, बट आई हैड टू शेयर हिम. आई मेड श्योर आई टुक एज मेनी बिग बाइट्स एज आई कुड. बट हाउ इज दैट शेयरिंग विद कंगना एंड सैफ? I think I got the biggest share. No, I think he is a great filmmaker, and I think this film needed a really good set of actors, and I think they're both very well suited for their roles. And yeah, I think this was a dream film for Vishal sir. He wanted to make it, and I wanted to participate in it. Kangana aur Saif ke saath kaam karna, dono hi ek alag alag kisam ke actors. Ji, bilkul dono alag hain. Kangana ke saath professional working equation raha, aur Saif ke saath mere itne scenes nahi hain, lekin jitne bhi the usme bada maza aaya. He's a very chilled out kind of guy, so I had a good time.